आपने एक डायलॉग तो सुना है कि जिंदगी एक बार मिलती है तो फिर दो बार क्यों सोचना। वही तो मैं भी आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर हमें जिंदगी एक बार मिली है तो हम फिर बार बार क्यों सोचे। क्यों ना आज से हम दूसरों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वर्किंग मदर लाइफ। माई नेम इज अलका शुक्ला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज जिस विषय में मैं बात करूंगी तो उस विषय को या उस चीज को हम हमेशा एक निगेटिविटी के साथ ही लेते हैं। अगर उसे हम पॉजिटिव लेना शुरू कर दें तो शायद हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को कहते सुना होगा मी माई सेल्फ आई, जिसका मतलब होता है मैं मेरे लिए या मेरा। अगर इसे हम सरल शब्दों में कहें तो इसे सेल्फिश अथवा स्वार्थ कहा जाएगा। और ऐसा सुन के ही हम उन लोगों के बारे में एक सोच बना लेते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, अपने खुद के लिए सोच रहा है। अगर हम स्वार्थ के उस पहलू को देखें जिसमें हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को धोखा दिए, हम खुद के बारे में अगर हम सोचते हैं, खुद को अगर आगे बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं, तो वह स्वार्थ अच्छा है। दरअसल हमारे समाज में महिलाओं के कई किरदार होते हैं। वह किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ, किसी की बेटी। और हम सभी जानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती हैं और परिवार के बारे में सोचने के चक्कर में वो अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती हैं। और धीरे धीरे उनकी इन्हीं आदतों के कारण अधिकांशतः महिलाएं जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, जो उनके लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ में उनके परिवार के लिए भी नुकसानदायक होता है। आज मैं आप लोगों से जिस स्वार्थ के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ वह स्वार्थ का एक पॉजिटिव पहलू है, जिसमें हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या बिना किसी को धोखा दिए हम अपने खुद को बढ़ने के लिए, अपने खुद की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कुछ सेल्फिश बनने से क्या लाभ होते हैं। लाइफ को ऑर्गेनाइज इजी वे में कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सबसे पहला जो टिप्स दिया है वो यही दिया है कि मी टाइम, हर व्यक्ति का एक मी टाइम होना चाहिए। यहाँ पे इस मी टाइम को ही हम सेल्फिश या स्वार्थ से जोड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहला लाभ होता है वह यह होता है कि हम अपने खुद के लिए समय निकालना शुरू कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा सेल्फिश बन जाते हैं तो हम अपने लिए समय निकालते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि महिलाओं के पास अपने खुद के लिए समय नहीं रहता है, वो परिवार का ही ध्यान देती रहती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे वो मानसिक रूप से भी परेशान होने लगती हैं और उन्हें ये बात कहीं ना कहीं खलने लगती है। तो अगर हम खुद को समय देंगे तो इसमें हमारी ही भलाई है और साथ में हमारे परिवार की भी भलाई है। दूसरा जो लाभ होता है वह लाभ यह है कि हम अपने खुद को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में बहुत गलत चीजों के लिए लोग महिलाओं को दोष देना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो गलत हो रहा है वो तुम्हारे कारण ही हो रहा है, और महिलाएं भी उसमें कुछ नहीं बोलती हैं क्योंकि वो चुप हो जाती हैं। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा सेल्फिश बन जाएंगे और अगर अपने साथ हो रहे उन गलत चीज के लिए जिसके लिए हम दोषी नहीं हैं, अगर उसके लिए हम खुद बोलना शुरू कर देंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। तीसरा होता है लाभ कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम फिट रहेंगे, क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वह ना तो अपना शारीरिक रूप से ध्यान दे पाती हैं और ना ही वो मेंटली फिट रहती हैं, क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं होता है कि वो जिम जा सकें या योगा कर सकें। तो इसके लिए महिलाओं को थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। फिट रखने के लिए जिम जा सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, योग कर सकते हैं, जिससे वो फिजिकली भी फिट रहेंगी और मेंटली भी फिट रहेंगी। चौथा लाभ होता है कि हम खुश रह सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि
परिवार की खुशी को ध्यान रखते हुए कई बार महिलाएं अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे बाद में वही चीजें उन्हें बुरी लगने लगती है और उन्हें लगता है कि कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं। तो ये तो गलत है। अगर हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं तो हम अपनी खुद की खुशी का ध्यान क्यों नहीं रख सकते हैं? तो इसके लिए फिर से हमें थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। हमें दूसरों को तो खुश रखना ही है जितना हम रख सकते हैं, साथ ही साथ हमें अपने खुशी के बारे में भी सोचना है, जिससे कि हम मेंटली जो तनाव रहता है उससे हम फ्री रह सकेंगे। पांचवा जो लाभ होता है, हम दूसरों को जो ब्लेम करना है वो बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे कि अगर हम खुश हैं तो उसके कारण भी हम हैं और अगर हम दुख हैं तो उसका कारण भी हम ही हैं, तो हम इसके लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, क्योंकि तब हमें पता चल जाएगा कि हमें अपनी खुशी का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ हम दूसरों को जो ब्लेम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो है वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं, अपने परिवार को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं कि परिवार को मेरी खुशी का ध्यान रही है नहीं है और हम इनकी खुशी के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ये जान जाएंगे कि हमें अपने परिवार के साथ अपने को भी खुश रखना है, तो शायद हम ज्यादा खुश रह पाएंगे और ज्यादा सुखी रह पाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमें अपने पैशन को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी का कुछ न कुछ पैशन होता है। किसी को डांसिंग का शौक होता है, किसी को राइटिंग लिखने का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को कविताओं का शौक होता है। तो हमें अपने पैशन को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जो हमारे पास अपने लिए जो हम समय निकालते हैं उसमें हम अपने पैशन को जारी रख सकते हैं, जिससे कि हम खुश भी रहेंगे और साथ ही साथ हम अपने परिवार को भी खुश रख सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे खुश रख सकेंगे? आपने एक डायलॉग तो सुना है कि जिंदगी एक बार मिलती है तो फिर दो बार क्यों सोचना। वही तो मैं भी आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर हमें जिंदगी एक बार मिली है तो हम फिर बार बार क्यों सोचे, क्यों ना आज से हम दूसरों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दें। हाँ, मुझे ये बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है कि मैं एक सेल्फिश हूं। अगर मैं खुद को खुश रख रही हूँ, खुद को सपोर्ट कर रही हूँ, खुद के लिए समय निकाल रही हूँ, दूसरों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, अपने फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को का ध्यान दे रही हूँ, अपने पैशन को जिंदा रख रही हूँ, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मैं अपनी खुशी का भी ध्यान रख रही हूँ और दूसरों की भी खुशी का ध्यान रख रही हूँ। तो क्यों ना आज से ही हमें सेल्फिश बनना शुरू कर देना चाहिए। इससे हम खुद तो खुश रहेंगे ही रहेंगे और अपनी लाइफ में और भी आगे और बहुत ही बेहतर इंसान बन पाएंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज उसे शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।